वेलकम टू न्यू लेसन अगर आपको याद हो तो कल के लेसन में हमने अपना पूरा प्रोडक्ट फीड बनाया था राइट सो so, कल हमने गूगल शीट्स की हेल्प से वो प्रोडक्ट फीड बनाया था ये रही हमारी ये प्रोडक्ट फीड अगर अब मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं प्रोडक्ट्स के अंदर आऊँ, तो आप देखोगे कि अभी तक कोई चीज डिसअप्रूव नहीं हुई है राइट अभी कोई एक्टिव नहीं है बट सारे के सारे अभी पेंडिंग है कोई भी आइटम डिसअप्रूव नहीं हुआ तो ये अप्रूव हो जाएगा कुछ देर में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जो जो हमारे पास थे थर्टी प्रोडक्ट्स थे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आए हुए और डायग्नोस्टिक के अंदर जो भी फीड के अंदर इशू होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे अभी कोई इशू है नहीं तो यहाँ पे अभी कोई चीज हमारी दिख नहीं रही ठीक है जी अभी सारे के सारे आप देख सकते हो पेंडिंग है तो वो कुछ समय में तीन बिजनेस डेज तक लग जाता है ये अप्रूव हो जाएगा राइट अब अगला काम आपको क्या करना है कि आप देखोगे यहां एक ऑप्शन आ रहा है कि गूगल एड अकाउंट आपका लिंक नहीं है ठीक है तो हम अब क्या करेंगे गूगल एड अकाउंट लिंक करेंगे वो लिंक करने के लिए क्या करोगे आप आप आओगे गूगल एड अकाउंट में और आप जाओगे टूल्स एंड सेटिंग्स में और देन ऑप्शन है लिंक्ड अकाउंट्स ठीक है आप जाओगे लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर गूगल मर्चेंट सेंटर का ऑप्शन है यहाँ पे सो आप क्लिक करो गूगल मर्चेंट सेंटर और यहां पे इसको डन करो अब देखो ये कह रहा है कि लिंक करने के लिए हमें मर्चेंट सेंटर से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी राइट तो हम वापस जाते हैं मर्चेंट सेंटर में और सेटिंग्स में जाते हैं और यहां पे आप जाओ लिंक्ड अकाउंट्स पे और यहां पे देखो गूगल एड्स का ऑप्शन है अभी एक बार ये लोड हो जाए तो यहां पे देखो ऑप्शन है लिंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है लिंक तो यहां पे क्लिक कर दो ठीक है अब एक बार यहां आओ और यहां पे आके इसको रिफ्रेश करो अब यहां देखो नोटिफिकेशन आ गई है ना इसको यहां से व्यू करो और यहां से व्यू डिटेल करो और इसे कर दो अप्रूव ठीक है लिंक हो गया अकाउंट अब वापस जाओ इसको यहां से रिफ्रेश कर दो देखो अब एक्टिव है अकाउंट लिंक हो चुका है अब यहां वापस आ सकते हो ठीक है प्रोडक्ट में जाओगे आपको अब अगेन सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे अब जो हमने कल वो बनाया था अपना प्रोडक्ट फीड बनाया था रहा हमारा प्रोडक्ट फीड ठीक है अब अगर आपको कोई चेंज करना है अपने प्रोडक्ट फीड में तो आप यहाँ पे आओगे और जो भी चेंज करना है आप वो चेंज कर दोगे ठीक है प्राइस जो भी चेंज करना चाहते हो आउट ऑफ स्टॉक करना चाहते हो या जो भी चेंज करना चाहते हो कस्टम लेबल ऐड करना चाहते हो तो जस्ट आपको वो चेंज यहां पे करना है और आपको सेव करना है ठीक है देन आपको मर्चेंट सेंटर पे वापस आना है देन आपको आना है फीड के अंदर ठीक है अब जैसे ही आप फीड पे आओगे आपको ये दिखेगा फीड का नाम इसको आपको क्लिक करना है और इसे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है आपको करना है फेच नाउ ठीक है फेच नाउ वापस आप फेच करोगे तो जो भी चेंजेस किए होंगे आपने वो गूगल में गूगल मर्चेंट सेंटर में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे थोड़े समय बाद ठीक है सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई चेंज कर रहे हो तो उसके बाद आप फेच करो ताकि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो अगर आप वो फेच नहीं करोगे तो वो चेंजेस यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो ठीक है जी सो दैट्स इट फ्रॉम टूडेज लेसन थैंक यू सो मच